ये अपने कॉड एस फॉर नीट एग्जाम 2024 का कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको दिया वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्री स्पेस में है। तो ये अपना जो क्वेश्चन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें एक्चुअल फोटोन की प्रॉपर्टीज ही पूछी हुई है। तो इसमें आपको 5 पॉइंट दिए और फिर इसमें पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इनडायरेक्ट देखें तो ऐसे क्वेश्चन जो है बायो में आते हैं, लेकिन इस बार फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आ गए, 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के आ गए, जिससे बच्चे का थोड़ा टाइम भी लगता है कि उसको हर स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला ही है, फोटोन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है वो सी होती है वैक्यूम के अंदर, ये स्टेटमेंट सही है। अब मोमेंटम जो होता है वो क्या रहता है, ई इक्वल टू एच न्यू एनर्जी होगी, वो पी इंटू सी रहेगा, तो इससे एच सी बाई एच न्यू बाई सी आ जाएगा। और फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन में टोटल एनर्जी और इनका कोलिजन जो होता है, जनरली अपने को पता है उसमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, लेकिन इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन होगा, इस कारण से इसमें टोटल एनर्जी भी जो है वो कंजर्व रहेगी। जो फोटोन है वो अनचार्ज होता है, चार्ज नहीं होता, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो सर इसमें अपना जो है वो थर्ड आंसर ए बी सी डी, पहले चार स्टेटमेंट सही है। अब देखो इसमें अपने बच्चा तभी कर सकता है जब उसको पूरी थ्योरी पता हो, डाटा तो दे दिए, लेकिन अगर किसी बच्चे को पता है पॉइंट की ये होलोस्फीयर है, तो होलोस्फीयर के अंदर जो होता है चार्ज जो है वो सरफेस पे रहता है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो होता है और पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहता है। तो पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहने के कारण उसमें सेंटर पे और सरफेस पे सेम पोटेंशियल होगा, तो उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको उसने पूछा सेंटर और पी पर, तो दोनों पे जो पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस क्या आ गया, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल, ग्राफ भी याद ही होगा, ग्राफ भी ऐसे बनाया जाता है आराम से इजीली, कि जीरो से लेके यहां से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक जो पोटेंशियल रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। तो बिना कैलकुलेशन किए ही अपने इसका आंसर दे सकते हैं, इतना सा अगर पॉइंट पता है तो अपने को ये जरूरत ही नहीं रहेगी कैलकुलेट करने की। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका भी सही हो जाता है। ए व्हील ऑफ ए बुलेट कार्ट का बारे में बोला जा रहा है, रोलिंग कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो रोलिंग ध्यान देने वाली चीज है, ऑन अ लेवल रोड। फिर बोला जा रहा है आगे, इफ इट इज स्पीड इन द डायरेक्शन, फिर बोला जा रहा है इसके बाद में जो इसकी वी स्पीड दी जा रही है इस साइड के अंदर, और बोला जा रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। पी और क्यू आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट बोला जा रहा है, तो पी पॉइंट तो यहाँ पर है और क्यू पॉइंट यहाँ पर अपने पास में। जो ये वी स्पीड है वो इसके सेंटर ऑफ मास की है, मिड पॉइंट की स्पीड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने को पता है रोलिंग मोशन हो रहा होता है, तो रोलिंग मोशन के अंदर हमें ये पता है कि सर यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी जीरो लेके चलते हैं, और यहाँ की वेलोसिटी अपन हाईएस्ट लेके चलते हैं, जो कि टू बी हो जाती है यहाँ की वेलोसिटी। इसलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं हम पी ओ क्यू के बारे में, तो पॉइंट पी का जीरो स्पीड बोला जा रहा है, गलत है। क्यू होता तो फिर मान लेते हैं अपन, पी का तो स्पीड ज्यादा है। पॉइंट पी स्लो मूव कर रहा है क्यू से, ये भी गलत हो गया है। पॉइंट पी फास्ट मूव कर रहा है क्यू से, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन अपना सही हो गया है। फोर्थ वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं, बोथ द पॉइंट पी एंड क्यू मूव विद इक्वल स्पीड, तो ये भी गलत हो गया अपने पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अपने पास में करेक्ट हो जाता है। क्योंकि रोलिंग मोशन में क्या अलग अलग पॉइंट्स की जो लीनियर स्पीड है, ट्रांसलेटिव स्पीड तो सेम होती है, बट रोटेशन वाली जो ओमेगा आर के कारण उसकी टेंजेंशियल स्पीड होने का नेट स्पीड जो होती है वो चेंज होती बदलती रहती है। अब ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सीधा ही जनरली अपने को पता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर की वेवलेंथ होती है, तो सिंगल कलर की रहेगी तो उसमें उसको व्हाइट लाइट से रिप्लेस करें, तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर का मिक्सचर रहता है, विवियर ऑर्डर अपने पढ़ते हैं। तो उसमें वेवलेंथ डिफरेंट होने का बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये फॉर्मूला रहता है। तो उस कारण से अगर अपने देखें कि ऑल फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल बिट, तो इसमें ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो इक्वल विड्थ की नहीं बने, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बीटा ही चेंज हो जाएगा उनका, तो बीटा अलग अलग आ जाएगा, और सबका जो सेंट्रल ब्राइट है वो सबका एक जगह आता है, लैम्डा बदलने से बीटा ही बदलता रहेगा, और सेंट्रल ब्राइट सभी वेवलेंथ के लिए एक ही पोजीशन पे आएगा, तो वापिस वो सभी 7 कलर मिक्स होके वापिस वहाँ सेंट्रल ब्राइट जो है वो व्हाइट ही बन जाएगा। लेकिन उसके बाकी सराउंडिंग जो होगी वो कहीं पे भी अपने को सेम जगह सभी की मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन साइड
नहीं हो पाएगी, इसलिए अदर पॉइंट पे कहीं भी व्हाइट अपने को नहीं मिलेगा, फ्यू मिक्स कलर की अपने को फ्रिंजेस मिलती है, ओनली सेंट्रल ब्राइट ही है जहाँ पर सभी की इंटेंसिटी कौन सा साइड होगी। और ये तो सर ऐसा है कि इसमें अगर ऑप्शन 3 और 4 पे देखे ना तो इसमें से एक ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि एक में सेंट्रल डार्क बोला है, तो बिना करते भी कर सकता है इंसान बच्चा आराम से। ये एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, ये इस लॉजिक गेट का क्वेश्चन आप देखोगे तो हर पेपर में आता है। इस बार इस लॉजिक गेट से अपने पास 2 क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर से, तो इसमें तो अपने पास ये क्वेश्चन जो है 5th नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें ये अपने पास में नैंड गेट का सिंबल बना रखा है और ये नॉर गेट का सिंबल बना रखा है, और हमें ये हमने पढ़ रखा है पहले से भी कि अगर नैंड गेट का अगर दोनों इनपुट को अगर सेम कर देते हैं अगर हम, तो सेम करते ही ये जो पूरा जो है ये बन जाता है के पास में नॉट गेट बन जाता है। सिमिलरली नॉर गेट के भी दोनों इनपुट सेम करते ही ये भी नॉट गेट बन जाता है, इसलिए ये ए का बन जाता है ये ए बार, और ये बी का भी बन जाएगा बी बार यहाँ पे, तो ये ए बार और बी बार चले जाएंगे इसके इनपुट के अंदर, ये फिर से अपने पास में क्या आ गया है नॉर गेट आ गया है, तो नॉर गेट का पता आउटपुट वाई क्या आने वाला है यहाँ पे, जब ए बार और बी बार जब इनपुट में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि सर कि पहले तो लगा दो और गेट, तो और में तो होता है प्लस ए बार प्लस बी बार और फिर नॉट लगा दो उसके ऊपर, तो ये आ गया, तो ये नॉर गेट का आउटपुट आ गया बिकॉज इनके ये इनपुट ये अलग अलग अपने पास ए बार और बी बार। जब इसको हम सोल्व करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम से वो क्या कहती है हमें कि सर बार को हटा दो तो ए बार बार आ जाएगा और प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, फिर बी और बार बार, और बार बार क्या हो जाता है कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपली क्या बन जाएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया तो एंड गेट हो गया हमारे पास में, तो सीधा इसके लिए भी क्या हो गया फर्स्ट आ गया है, और ये तो बिल्कुल पहले भी आया हुआ क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है, ये पहले भी नीट में आया हुआ मॉड्यूल में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन अपने पास, ये अपने को एनसीईआरटी में है बट उसमें सभी में नैंड गेट ही थे बट इसने मिक्स कर दिया थोड़ा सा, इसलिए अपने कहते हैं ना ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें नहीं, थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो नहीं आ रहे लेकिन थ्योरी कंसेप्ट पॉइंट उसी से मिल जाएंगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सवाल अपना ये है, इसके अंदर आपको बोल रखा है कि मैच लिस्ट यहाँ पे देख रखी है, फर्स्ट और सेकंड को आपको यहाँ मैच करना है, तो यहाँ अपने पास डायमैग्नेटिक दे रखा है। सबसे पहले अगर अपन बात करें इसमें तो आप ऐसे कह सकते हो जो डायमैग्नेटिक अपने पास है उसकी वैल्यू आपको गिवन है डायमैग्नेटिक के लिए, अपन ये जानते हैं कि जो डायमैग्नेटिक की जो काई की वैल्यू अपने पास होती है वो नेगेटिव एंड स्मॉल वैल्यू होती है, तो नेगेटिव एंड स्मॉल के हिसाब से अपन देखें तो अपने पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा आ रहा है सेकंड ऑप्शन अपने पास यहाँ पे आ रहा है, मतलब सेकंड मैच कर रहा है यहाँ पर। अब दो ऑप्शन हट गए आपके हैं यहाँ पे, देखो एक तो फर्स्ट हो गया आप और एक इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो फोर्थ ऑप्शन अपना हट चुका है। अब फेरोमैग्नेटिक की अपन बात करें तो फेरोमैग्नेटिक का जो काई होता है अपन क्या कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव होता है, लार्ज वैल्यू होता है, मतलब काई का मान एक से बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो फेरोमैग्नेटिक का रहेगा वो अपने पास यहाँ पे थर्ड के अंदर चला जाएगा, बाकी नहीं भी मैच तो आप देख सकते हैं दो ही ऑप्शन ऐसे बचे थे, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखें तो सेकंड एंड थर्ड ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें आगे अपने को मैच करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अपन थोड़ा अगर अपन और देखें इसको अब तो पैरामैग्नेटिक जो होता है तो पैरामैग्नेटिक के लिए अपन जानते हैं कि जो काई का वैल्यू होता है वो स्मॉल होता है एंड पॉजिटिव होता है। अब स्मॉल एंड पॉजिटिव के हिसाब से अपन देखें तो अपने पास आ जाएगा कौन सा फोर्थ के अंदर चला जाएगा, और जो नॉन मैग्नेट्स होते हैं उनका जो काई होता है उनका जीरो वैल्यू होता है, तो लास्ट का जो आपके पास डी रहेगा वो आपके पास फर्स्ट के अंदर आ जाएगा, तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल अगर अपन देखें तो ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर, जैसे ये अपने पास पार्टिकल रहा यहां, ये सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल, अब अपन ये चीज देखेंगे कि हर एक पॉइंट पर जो पार्टिकल का स्पीड है वो कांस्टेंट है अगर यूनिफॉर्म है तो, लेकिन उसके वेलोसिटी डायरेक्शन हर एक मोमेंट पे क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब या तो डायरेक्शन चेंज होगी या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर दोनों चेंज हो गए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट बता रखा है, केवल किसकी बात करेंगे अब अपन यहाँ पे डायरेक्शन की अपन बात करें, तो डायरेक्शन के हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल केवल आपके पास एक तो यहाँ दे रखा है और एक आपके पास फोर्थ के अंदर दे रखा है, फोर्थ के अंदर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी वेरिएबल है वो आपके पास पहले में आ गया, तो पहला ऑप्शन देखते अपने टिक कर देना है।
अब अगर अपन एक्सेलरेशन की ओर बात करें तो एक्सेलरेशन के हिसाब से अपन कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है। अब टूवर्ड्स द सेंटर है, इस हिसाब से हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। ये अपने मॉड्यूल में एज इट इज ऐसे कैसा सवाल डाल रखा है और टेस्ट सीरीज के अंदर भी अपने ये सवाल ऐसे कैसे डाला हुआ है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। अब देखो डायरेक्ट कह दिया, रोड दे रखा आपको। अब रोड की अगर अपन बात करें तो रोड के हिसाब से अपन जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला रटा हुआ है अपन ने, आई इक्वल टू रोड का मिड पॉइंट देखें तो मिड पॉइंट का जो अपने पास होता है आई इक्वल टू आपके पास आता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये सिंपल अपने पास रहा। मास 400 ग्राम दे दिया। एक खास बात ये है देखो इसमें कि सारी जो डेटा आपको गिवन है वो सीजीएस यूनिट्स के अंदर गिवन है, तो और जो रिजल्ट आपका आंसर है वो भी सीजीएस में, तो अपने को यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कह देंगे, आपको क्या चाहिए अब लेंथ चाहिए, तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 आई अपॉन एम। अब यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट करें तो 12 2400 डिवाइड बाई मास आपको कितने का चाहिए 400 का चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो एल का वैल्यू आ रहा है वो रूट में 72 आपके पास आ रहा है। अब 72 ऑलमोस्ट अगर अपन देखें तो 8 का होता हो जाएगा 64 और 9 का हो जाएगा 81, तो 8 और 9 के बीच में अपने पास आएगा। अब 8 और 9 के बीच में अगर अपन देखें तो अपने पास केवल एक ही आंसर है, सेकंड ऑप्शन। आवश्यकता ही नहीं इसको सोल्व करने की। तो अब नेक्स्ट सवाल पे अपन बढ़ते हैं आगे। तो अपने जो टाई वाले सर है व्यास सर है इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में जो है जैसे मैग्नेट जो है उसको आप देखें कि एस की तरफ से ये जा रही है, तो इसमें अगर आप इसकी तरफ एस वाला पोल बनाते हैं, देखो हमने ऐसे ही सीखा हुआ है कि अगर जिस तरफ से मैग्नेट जा रही हो जैसे एन की तरफ से जा रही है तो आप इसकी तरफ एन बना दें, एस की तरफ से आ रही हो तो इसको एस बना दें। अभी इसमें आप देखो एस की तरफ से आ रही है, इसमें एस बनाएंगे, इसकी तरफ भी यहाँ पे एस। तो डायरेक्शन अगर आप थोड़ा सही से ध्यान देना पड़ेगा, ये जो डायरेक्शन है जैसे ए की तरफ से देखना है, ए की तरफ से आपको इसे जानना है। जैसे ए से बी के लिए हम देखें इसमें आप ये अगर एस बना रहे हैं तो ए से बी की तरफ जो करंट यहाँ से होगा तो वो ए के ऑप्शन में है केवल ए से बी, इसमें आप देखेंगे केवल सेकंड और एक फोर्थ ऑप्शन में भी जो है। तो आप ये मान लें कि थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन मान लो हमारा ये हट गया है, तो अब जो जो बच्चे हैं इसमें फिर से एस बनाते हुए आप जब देखेंगे देखना पड़ेगा, तो इसमें इस तरफ से आप इसको देखें तो आप एस के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो डायरेक्शन जो दिखेगी वो डी से सी की तरफ जाते हुए दिखेगी, तो इसका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये सवाल भी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कैलकुलेशन है या कुछ है। अगर किसी को ये लाइन डायरेक्ट याद आ रही होंगी, जैसे मान लो किसी बच्चे को पहला जो ऑप्शन है इसमें ए वाला जो है स्टेटमेंट, वो तो सभी को खैर आइडिया है कि सोलर सेल के लिए हमेशा ये ग्राफ ऐसे ही बनता है। इसमें क्या कन्फ्यूजन है कि फोर्थ ऑप्शन के लिए जो है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ये ग्राफ बनेगा, तो स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि भाई ए करेक्ट है इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ए करेक्ट है ए इनकरेक्ट कर जाएगा, इसका मतलब केवल जो बी स्टेटमेंट है उसके लिए पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है कि इन रिवर्स बायस पी एन जंक्शन जो है, तो केवल रिवर्स बायस का पी एन जंक्शन देखें तो इसमें आपको पता है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसमें होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये लाइनें हैं जो लिखी हुई होती हैं जो आपको अगर याद हैं तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं। तो आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन है वो सेकेंड वाला सही है क्योंकि इसमें ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपने साथी के साथ। चलिए थैंक यू। हाँ तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप इस साल मेडिकल कॉलेज में हमें मिलोगे, ठीक है? शानदार तरीके से करके आए होंगे, हमारी सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों।
ठीक है। तो बच्चों देखो, ये अपना जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर दिख रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो आपसे यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, आपको ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, एक्शन रेजिस्टेंस दे रखा है। तो सिंपल वे में आप कर सकते थे कि भाई वी पूछा, तो वी इक्वल टू क्या हो गया सर, यहाँ पर वी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वी इक्वल टू कितना है, ई माइनस क्या था, आई आर। तो सबसे पहले देखो, आर आपको दे रखा है, ई आपको यहाँ पर दे ही रखा है, और करंट आपको चाहिए, और ये आपके पास, तो करंट आप यहाँ पर ला सकते हैं बेटा। जब भी करंट निकालना हो तो आप सीधा से क्या करें, सारा वोल्टेज आपको दे रखा है, सारा रेजिस्टेंस आप ले ही सकते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से करंट आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 एम्पियर आ गई होगी। तो यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, और टोटल रेजिस्टेंस 5 हो गया, तो 2 एम्पियर इन्होंने निकाल ली होगी। तो यहाँ पर 10-2 आपके पास आ गया होगा, ये 8 वोल्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर आ गया होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान, बिल्कुल आपने कर दिया होगा इसको, बिल्कुल एकदम देखते ही खुश हो गए होंगे आप लोग यहाँ पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया देखते हैं एक बार। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्षैतिज बल लग रहा है, और यहां पे एक बार मार्कर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, ये 10 न्यूटन का बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है, दो ब्लॉक दिए हुए हमें 2 kg and 3 kg, और क्या दिया हुआ है, 2 ब्लॉक स्लाइड्स ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो उसका कोई काम नहीं है, मतलब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो ए की वजह से बेटा बी पे लगने वाला फोर्स, मतलब इन दोनों के बीच के नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है, तो नॉर्मल फोर्स बी ए पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, ए बी पे लगाएगा उस डायरेक्शन में, ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इनका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों साथ में चलेंगे इस कंडीशन में। तो टोटल पुलिंग फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन पुलिंग फोर्स हो गया, अपॉन टोटल मास कितना हो गया, 2+3, ये हो गया बच्चों 5। तो यहां से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 m/s². अब ए का अगर हम लोग FBD बनाए बच्चों, तो ए पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, ए पे लगने वाले फोर्स, ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे आगे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, 10, पीछे की तरफ है नॉर्मल फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन है 2 m/s², फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ दे रखा है। तो यहां से इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, 10 - n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2। तो यहां से n की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, 10 - 4 इज इक्वल टू 6 N। तो सर ये तो काफी आसान सवाल हो गया फिर। तो बच्चों नीट में जैसे आपको कहा था कि फिजिक्स हमारी ज्यादा टफ नहीं आती है, कि भाई जिस तरीके की लेवल की नहीं आती कि IIT वगैरह, उस तरीके से बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन यहाँ पर आप कर पा रहे हैं। सिंपल, F = ma पे बेस्ड है, बेसिक क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं, इजी क्वेश्चन जो है। हाँ चलिए आगे करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, तो आइए, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो यहाँ पर जो है वो कोलिजन से है, बिल्कुल जो है यहाँ पर दे रखा है आपको, यहाँ पर दोनों का मास सेम दे रखा है, कम्प्लीटली इनलास्टिक कोलिजन है। तो आपको पता है कम्प्लीटली इनलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सेम वेलोसिटी से मूव करेगी, और अपन तो पता है कि नॉर्मली हर कोलिजन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम किसी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम लोग लगाते ही हैं। तो आप कुछ भी आए कोलिजन का, कैसा भी क्वेश्चन आए, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा ही दीजिए। पहली इक्वेशन तो बच्चों हमारी फिक्स ही रहेगी हमेशा, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे तो बेटा बच्चों यहाँ पर आएगा m1 u1 m2 u2, बराबर आप यूज कर सकते हैं m1 v1 + m2 v2। अब देखो इसमें सेकंड बॉडी तो रेस्ट में दे रखी है, बेटा ये तो हट ही गया, और ये तो पूरा जीरो हो गया सर। फिर ये तो फर्स्ट बॉडी जो है ये वेलोसिटी किससे चल रही है, v1 वेलोसिटी से चल रही है। तो बच्चों ये तो आपके पास आ गया m मास है, ये वेलोसिटी आ गई v1 यहां पर। अब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं कि mv2 प्लस आगे आपके पास mv2, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 2m, यहां पर हमारे पास v2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया इस तरीके से। तो आपसे ध्यान रखना बेटा, v1 अपॉन v2 पूछा है बेटा, इसको नीचे ले आएंगे आप लोग, यहाँ से देखें m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है बच्चों वो आ गया आपके पास 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब इसमें कई बार बच्चे सर गलती कर देते हैं, ये v1 अपॉन v2 की जगह v2 अपॉन v1 पे टिक करके आ जाते हैं, ये गलती हो जाती है कई बार। जल्दबाजी ना करें कि v2 अपॉन v1 पूछा गया, v1 अपॉन v2 पूछा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा रेशो पूछा गया। चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कि एक बॉब है
और उसे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं बच्चों। ये मान लीजिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम लोग घुमा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बच्चों इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। एक मिनट, कभी कभी बेटा प्रॉब्लम हो जाती है, आप जानते हैं। देखो मार्कर सेलेक्ट हो गया हमारा, हाँ ठीक है। अब देखिए ये मान लो इस तरह से ये रोटेट कर रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां पे अंदर की तरफ बेटा टेंशन फोर्स होगा और ये टेंशन फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा बेटा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये पहली कंडीशन के लिए टेंशन है तो इसको लिख लिया हमने टी वन। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, इनिशियल स्पीड ओमेगा से घूम रहा था तब टेंशन टी वन है। सेकंड कंडीशन दे रखी है स्पीड बिकम्स टू ओमेगा। तो सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो, रेडियस कांस्टेंट ओमेगा हाँ। तो स्क्वायर कर दीजिए, देखो बस डायरेक्ट ही आ गया। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, प्रोपोर्शनलिटी से डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे। तो टी टू की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें, यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाले, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू फोर, तो फोर टाइम्स टी वन आंसर आ गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखो यहाँ पे 14 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो देख रहे हैं आप लोग कितने आसान क्वेश्चन दिए आपको। तो एनटीए पेपर जो है अपना नीट का फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा आसान बनाए हैं, तो आपको ज्यादा कुछ इतना नहीं करना था, तो बिल्कुल देखिए बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्लास नोट्स में, जो लिखाया जा रहा है, जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही, जो आपके मॉड्यूल्स में क्वेश्चन है, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और मेरे हिसाब से तो सर अपने जो AITS के पेपर हुए थे उनसे तो काफी लेवल डाउन है देखा जाए तो, बिल्कुल लो लेवल है। जो अपन ने जो दिए थे बहुत ज्यादा लेवल के दिए, पर उसमें अगर वो बच्चा उनको सॉल्व करके गया तो 100% 50-50 क्वेश्चन वो जरूर क्या करके आया, सॉल्व करके आया। बिल्कुल ये बात तो है सर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं सर फिर। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना जो है वो न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये भी देखिए आपके सामने बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अल्फा डीके दे रखा है, फिर ये जो अपने पास जो है ये ई प्लस बेटा ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये अपने पास जो है पॉजिट्रॉन हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये बीटा माइनस है, ये ई माइनस, बेटा आपको ये बोला गया है कि ई प्लस और बीटा प्लस एक जैसा होता है, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। फिर ये ई माइनस जो और बीटा माइनस ये दोनों सेम होते हैं। और सबसे पहले देखो यहाँ जैसे अल्फा डीके दिया रखा था, आपको पता है कि अल्फा के अंदर क्या होता है, नीचे जो है जेड में दो की जो है कमी आती है, ऊपर कितनी आती है, चार की कमी आती है। तो 82 में से अगर आप दो कम करेंगे तो ये आपका 80 बन जाएगा, और यहाँ पर जो वो है वो आपका बन जाएगा 280 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। उसके बाद देखिए आप ई प्लस प्लस है तो आपको बोला था माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे तो यहाँ जेड में एक डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये बन जाएगा 79, ये बन जाएगा 286 बन जाएगा। उसके बाद देखो ये माइनस है तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा प्लस बन जाएगा यहाँ पर, और ये है वापस ये मेंटेन रहेगा। देखो ए चेंज नहीं होता है बेटा डीके के अंदर, ए चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो ये माइनस है फिर वापस एक प्लस हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 81-86 बन जाएगा। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल एकदम जो है मतलब सर चाहे इलेक्ट्रॉन निकले चाहे पॉजिट्रॉन निकले ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं ए में कोई चेंज, ए तो जब अल्फा डीके हो रहा है तब ए में चेंज आ रहा है। इसमें तो न्यूटन प्रोटॉन में करंट होता है, प्रोटॉन न्यूटन में करंट होता है, तो सीधी सी बात है यहाँ ए में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब सर इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश तो की है बच्चों को, बिल्कुल सर ये बीटा माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे ई माइनस लिखा हुआ है, ये बिल्कुल बच्चा ये सोचेगा कि बीटा माइनस अलग होता होगा ई माइनस, जबकि है दोनों एक ही चीज, दोनों जो है वो बिल्कुल एक। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे बच्चे सही करके आए होंगे इन्होंने, हाँ रखा है कि सेम होते हैं ये दोनों भी, क्या होते हैं अपने सेम होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता। चलिए बच्चों आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बच्चों, और ऑल द बेस्ट, आप सभी का रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। रिजल्ट के लिए उम्मीद है सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट, ये 1D से बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन 2t-1। देखो डिस्प्लेसमेंट हमें 2t-1 दिया हुआ है और हमें फोर्स दे रखा है, इंस्टेंटेनियस पावर हमें फाइंड करनी है। यहाँ हम देखो dx/dt करेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो गया v इक्वल टू हमारे पास आया 2, और फोर्स बच्चों क्या गिवन है 5 न्यूटन, और इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है तो p इक्वल टू हम क्या करेंगे f इंटू वी करेंगे। इस तरह से ये आंसर के जी सर चला गया अपना 10 चला गया है ना। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कर लो।
जी सर ये एटॉमिक फिजिक्स से है। एटॉमिक फिजिक्स से ये क्वेश्चन जो है वैसे तो काफी ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा अपने, लेकिन अगर अपन इसको ऑप्शन से देखें तो उसमें सारे के सारे ऑप्शन जो है इनिशियली वो अलग अलग दे रखे है। देखो इसमें एक के अंदर दे रखा है फर्स्ट, इसमें दे रखा है थर्ड, इसमें दे रखा है सेकंड, इसमें दे रखा है फोर्थ। कैलकुलेशन देखते ही अगर चारों को सोल्व करेंगे अपन तो ऑप्शन पे नजर चलेगी तो अपन चारों ऑप्शन अलग है तो एक पे ट्राई कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं। तो अपन इसके अंदर पूछा है अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अपने को दे रखा है और पूछा है कि लैम्डा कितना होगा, लैम्डा कितना होगा, एक फार्मूला है ना डायरेक्ट 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ये एक सीधा सा फॉर्मूला है इसका। हाइड्रोजन ही दे रखा है, जेड तो 1 हो जाएगा अपना, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू बचेगा अपने पास में आर इंटू 1 बाय क्या दे रखा है, एन वन का वैल्यू 2 दे रखा है, एन टू का वैल्यू 3 दे रखा है, तो 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 बाय ये 9 हो गया, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे वो आ जाएगा 36 और ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 4, तो अब 1 by lambda equal to बचेगा अपने पास में r into 5 by 36, तो lambda का वैल्यू अगर निकाले r का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में अपन डायरेक्ट रख देंगे तो lambda का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 36 by 5 into r आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर 35 into r, अब हमें पता है कि 1 by r का वैल्यू जो होता है वो 1 by r, हाँ 912 एंगस्ट्रॉम सीधा होता है बिल्कुल, तो हम उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इनटू 36 अपॉन में 5 इनटू 912 एंगस्ट्रॉम। बच्चों ध्यान रहे 1 अपॉन r का वैल्यू अपन ने पुट किया है और ये इजी सी कैलकुलेशन होगी, वैसे टफ हो जाती है और उसके बाद में एक ऑप्शन मैच होने के बाद में सारा हो जाएगा आराम से। अब आगे जो है अगला क्वेश्चन सर आप बताइए। हाँ जी हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, मैंने कई बार सर यहाँ से देखा होगा तो शायद पर ऑप्शंस पे नजर मारे काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। उसका रीजन है कि देखो बी का जो आउटपुट है ना उसका एकदम अपोजिट आउटपुट मिल रहा है अपने को, जो बी का जो इनपुट है उसका आउटपुट जो मिल रहा है ओवरऑल वो बी का अपोजिट मिल रहा है, इसका मतलब बी अगर जीरो है तो आउटपुट हो गया वन, बी अगर वन है तो जीरो, जीरो का वन और वन का जीरो। अपोजिट को अपने किससे शो करते हैं, अपोजिट को बार लगा के शो करते हैं, इसका मतलब बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी बार। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये अपने पास नेक्स्ट इसको इसके टाइम लैग तो कर रहा है, तो फोर्थ आंसर आ गया इसका हो गया बी बार, बी बार फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है सर आगे का क्वेश्चन, इसको अगले क्वेश्चन के लिए पोस्ट करो, थोड़ा टाइम दो इसको, टाइम लैग कर रहा है बोर्ड, एक मिनट वेट करो। हाँ टेक्निकल चीजें हैं, रुको जितनी बार करोगे उतनी बार स्लिप हो जाएगा। ओके हो गया, देखो रे ऑप्टिक्स से एक अच्छा क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, इसमें हमें ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और देखो जब यहां से अपने पास इस परपेंडिकुलर को अपन लेंगे यहाँ पे तो ये जो इंसिडेंट एंगल के साथ जो बनेगा अपने पास ये आर बन गया, और यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो देखो ये जो इसमें लैंग्वेज जो दे रखे है इस पर भी थोड़ा आप गौर करना, राइट एंगल जो अपने को थ्रू ए राइट एंगल प्रिज्म, तो ये हमें एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई गिवन है और इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू बेस, बीसी के पैरेलल है, इमर्ज आउट अलोंग द बेस ऑफ एसी। तो अपने को जल्दबाजी में नहीं करना था, थोड़ा सा ध्यान के, राइट एंगल दिया है 90 डिग्री हो गया, तो देखो यहाँ पे जब हमने परपेंडिकुलर लिया ये अपने पास आर था ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना चला गया 90 माइनस आर चला गया, और यहाँ से स्नेल स्लो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर से लेंगे हम। यहाँ देखो पहले एयर है तो इट मीन्स म्यू वन इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं म्यू टू, और म्यू टू इक्वल टू म्यू जो प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे म्यू वन मैंने एयर का वन लिया, साइन आई साइन थर्टी लिखूंगा, साइन थर्टी कितना हो गया वन बाई टू हो गया, म्यू हमें फाइंड करना है और इंटू हो गया साइन आर, यहाँ मैं साइन आर की वैल्यू हमें मिल गई कितना साइन आर इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू म्यू, ये साइन आर की इस सरफेस ए बी पर होगी,
अब हम रिफ्रैक्शन किस पर बात करेंगे के जी सर, एसी सरफेस पर बात करेंगे, सेम रिपीट करेंगे। देखो यहाँ से म्यू वन, तो हम म्यू ले रहे हैं इसका, और साइन आई, तो इस सरफेस के लिए जो आई था वो किसका काम कर रहा है, 90 माइनस आर, और फिर देखो बाहर म्यू टू वन है और साइन 90 भी क्या हो गया, वन हो गया, और साइन 90 माइनस आर जिसे आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हैं, हम कोस आर लिख सकते हैं, तो कोस आर इक्वल टू कितना हो गया, वन, और यहाँ पे कोस आर का वैल्यू आ गया 1/μ। कोस का हमें पता है कि देखो साइन का वैल्यू मिला है, तो इसको इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, कोस की जगह हमने देखो अंडर रूट ए ले लिया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, जो बेसिक सा फॉर्मूला उसको काम में ले लिया, 1 बाई कितना हो गया, म्यू हो गया, अंडर रूट हटा देते हैं और साइन स्क्वायर आर का वैल्यू देखो ये लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4μ² इक्वल टू 1/μ क्या हो गया, म्यू हो गया, और इसको इधर ले जाएंगे म्यू स्क्वायर हो गया बिल्कुल, और देखो 1 इक्वल टू किया तो इसको अपन इधर ले जाते हैं 1/μ², तो ये आर ले लिया, 1 + 1/4 के जी सर कितना हो गया, 5/4, तो म्यू स्क्वायर का वैल्यू देखो आया हमारे पास 5/4, और म्यू इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 5/2, इट मीन्स ऑप्शन इसका अपन चूज करें तो कौन सा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट चला गया। तो थोड़ा सा रेओटेक से अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेसिक सा था, ये जनरली स्टार्टिंग का था, थोड़ा सा मैं पहले ए सरफेस के लिए, और एक मेरे ख्याल से बच्चों को इस पर भी गौर करना चाहिए था कि राइट एंगल हमें दिया है, इंसिडेंस एंगल तो दे ही रखा है, ये देते ही अपने को ये सारी चीजें सॉल्व हो गया, 90 माइनस आर हो गया, तो फिर यहाँ से पहली सरफेस और दूसरी सरफेस पर बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस बहुत हो रखी थी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, बहुत बार हमारे टेस्ट सीरीज में रिपीट होता रहा क्वेश्चन, तो देखते हैं कि n+1 गिवन है हमारे पास कितना, VSD, n+1 VSD इज इक्वल टू है n MSD, तो हमारे पास हो जाएगा 1 VSD इज इक्वल टू n/(n+1) MSD। LC का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, MSD - VSD, तो MSD तो MSD है, और VSD को हम कह देंगे n/(n+1) MSD। MSD कॉमन लेंगे, तो MSD कॉमन ले लिया हमने, बचने वाला है n+1, इधर आएगा n+1 - n। MSD को गिवन है उसने 0.1 mm, या 0.1 mm, तो ये n से n कैंसिल, तो यहाँ पे 0.1 mm को 1/100 cm बोल सकता हूँ मैं, इसको सेंटीमीटर में रिजल्ट पूछा है इसलिए 1/100, तो 1/(n+1), तो यहाँ पे आ जाएगा (n)(1)(n+1), तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 1/100 n+1 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इनवाइट कर रहे हैं रॉबिन सर को, सर माइक, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स 2.0। ए टाइटली बाउंड कॉइल ऑफ रेडियस 10 cm कैरिंग ए करंट 7 A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल पे निकालना, सर्कुलर कॉइल है और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कोई भी सर्कुलर कॉइल आप बना सकते हो, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सीधा होता है μ0 ni/2r। मैं चेंज कर लेता हूँ, कई बार ये कलर ऐसा है जो विजिबल नहीं होता सही ढंग से ऑन स्क्रीन, बी इक्वल टू होता है μ0 ni/2r। μ0 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 4π × 10⁻¹, और नंबर ऑफ टर्न्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितने हैं, 100 टर्न्स, मैं 100 टर्न्स, और करंट भी गिवन है कितना है, 7 A, कोई भी माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू पुट करनी है, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन 10 cm, रेडियस 10 cm हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻², एक पावर से एक पावर जहाँ कैंसिल होगी, 10⁻²² से 10⁻², फिर एक 0, 10⁻⁴ बच जाएगा, ये से ये हो जाएगा 2π, 2 × 4 हो जाएगा मेरे पास 2 × π की वैल्यू होगी 22/7,
मल्टीप्लाई में 7 चल ही रहा है, पावर कैंसिलेशन करने के बाद पावर 10 की पावर -4, ये से कैंसिल, आंसर बचेगा आपका 4.4 मिली टेस्ला। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ एल, रेजिस्टेंस है 100 ओम। अच्छा, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब कह रहा है उसको कट कर दिया हमने 10 इक्वल पार्ट्स में। जब 10 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अब एल 1/10 हो गया तो आर डैश भी क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि पहले वाले का 10, पहले कितना था इसका 100 ओम, अब बचेगा इसका 100/10, इट मीन्स 10 ओम। आगे बोल रहा है कि 5 पार्ट को पैरेलल में और 5 पार्ट को सीरीज में, तो सीरीज में किया तो 5R डैश, पैरेलल में किया तो R डैश/5 हो गया। और अब कह रहा है इसके बाद इस कॉम्बिनेशन को भी किस में कर दिया है, सीरीज में। सीरीज मीन्स यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो ये प्लस हो जाएगा, तो 5×10+10/5, 50+2 आंसर होगा 52 ओम, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार टेस्ट सीरीज में हमने देते रहे, मॉड्यूल में तो है ही है, सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई नया कुछ था नहीं। ये भी है अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल, कोई पैन पिक करने की नीड नहीं, कोई पैन। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक और बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एवरीवन का क्वेश्चन कहते हैं हम। हां, इसमें कोई नीड नहीं है कि हम पैन लेके पैन या कॉफी करें, ये पैन की इंसल्ट है, तो मैं भी पैन यूज नहीं करूंगा। क्वांटिटी व्हिच हैव गिवन द सेम डायमेंशन दो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हम जानते हैं, एंगल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो डायमेंशन लेस होती है, जिसकी यूनिट होती है रेडियन में जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब अगर मैं बात करें एंगुलर स्पीड की, तुम डायमेंशन अच्छी तरह से जानते हो, ओमेगा की डायमेंशन, ओमेगा क्या होता है, d θ/dt, रेडियन पर सेकेंड, तो टाइम की वजह से। तो स्ट्रेस की भी डायमेंशन बनती है, आप जानते हो F/A, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन एंड एंगल, अगर इन दोनों को देखने लगे, स्ट्रेन होता है ∆L/L, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, और एंगल तो ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, एंगल से एंगल तो सीधा ही मैच कर रहा था, सिर्फ एक स्ट्रेन देखना था, स्ट्रेन डायमेंशन, स्ट्रेन ∆L/L। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं, इसके लिए भी कोई पेन पिक करने की नहीं, पेन पिक करना क्वेश्चन की इंसल्ट है। हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन है ना, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज आ ही रहा है, पेन सिलेक्ट तो कर लेते हैं, जब व्हीटस्टोन ब्रिज आ ही रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस किस कंडीशन में हो रहा है, तो इट मीन्स ये वाला जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और जब ओपन सर्किट होगा तो ये दोनों 2 ओम 2 ओम 2 ओम जो है वो रहेंगे सीरीज में, और ये जब सीरीज में रहेंगे तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 1 μF। ये दोनों भी काम करेंगे सीरीज में, इन दोनों का भी आएगा 1 μF, और ये दोनों 1 μF 1 μF रहेंगे पैरेलल में, इसलिए रिजल्ट हो जाएगा 2 μF 1+1। तो ये लास्ट रिजल्ट हुआ हमारा। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, तो सेकंड क्वेश्चन। आ जाओ सर, रिकॉर्डिंग है तो कट कर देंगे, तो दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये माइक कैसे लगाते हो आप लोग, फिर कहाँ से लाऊं मैं? तो खाना यही नहीं खा रहे क्या? ओल्ड पीसी में खाना खाओगे? तो मैं फोन करूँ आपको ना, ओल्ड पीसी भी तो है क्या है? ठीक है, बंद कर देते हैं। तो 10 सेकंड का पहुंच लेना, वो कट करने का उनको मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच इज व्हाट,
द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट इट इज व्हाट इलास्टिक यस अलग है यार उसको बुलाना एक बार दोबारा ना तो बुलाना उसको मुझे इसका लिखने का अलग है यार इसका मार्कर कहाँ है फिर इसको ऊपर लेना होना क्रॉस करो ठीक है फिर वापस मार्कर माता बच्ची क्रॉस करो जब ही नीचे आएगा ठीक है अरे भाई टेंशन मत ले मेरे को सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 एंड व्हाट वी हैव इन दिस सिचुएशन The maximum elongation of a steel wire of 1 meter length if the elastic, it is elastic. Okay? So, what we have? Elastic limit of a steel and its Young modulus respectively are. So, basically, हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है? Elastic limit दे रखा है. इसका मतलब हमारे पास में क्या है? Stress है. है ना? और हम जानते हैं जो stress होता है, वो क्या होता है? Young modulus. इंटू स्ट्रेंथ ये मैंने यंग मॉड्यूलस से क्यों लिया यहाँ पे क्योंकि मेरे पास में क्या दे रखा है वायर दे रखा है मैंने क्या लिखा यंग मॉड्यूलस ठीक अब मेरे पास जो इलास्टिक लिमिट है वो स्ट्रेस है और वो कितना है 8 × 10⁸ फाइन और वाई बराबर कितना है 2 × 10⁻¹ और सर स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल क्योंकि वायर दे रखा है इसलिए अपन ऐसा करेंगे और ये जो एल है वो है कितना 1 मीटर तो यहाँ 1 मीटर हो जाएगा ठीक है तो जो डेल्टा एल है वो कितना आएगा डेल्टा एल आएगा 8 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁻¹ तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर विच विल बी 4 मिलीमीटर तो यू आर करेक्ट आंसर इज 4 मिलीमीटर राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है एन अनपोलराइज लाइट हमारे पास में कभी क्या है अनपोलराइज लाइट है और ये किस पे गिर रही है ग्लास सरफेस पे गिर रही है और वो भी कितने एंगल पे गिर रही है ब्रूस्टर एंगल पे गिर रही है और हम जानते हैं जब भी किसी ट्रांसपेरेंट स्लैब के ऊपर कोई अनपोलराइज लाइट गिरे और ब्रूस्टर एंगल पे गिरे तो वो जो सर रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है पोलराइज हो जाती है और जो अपनी रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो अभी भी पार्शियली पोलराइज रहती है तो यही ब्रूस्टर का लो है ना तो वो सेम स्टेटमेंट यहां से पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी One. So we are now going for next question. What is the next question? It is again a very simple question. In an ideal transformer का meaning क्या है? उस पर अपन चर्चा करें. तो ideal transformer की अगर बात करें, तो P input और P output जिसमें बराबर होता है, उसे अपन ideal transformer कहते हैं. और यहाँ पे अपन को NP/NS बराबर क्या दे रखा है? 1/2. और हम जानते हैं यहाँ पे जो voltage होता है, वो direct किसके proportion होता है? Number of turns के. ठीक है ना तो वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि जो NP/NS होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं VP/VS ठीक है अब हमारे पास जो NP/NS है वो कितना है 1/2 है तो हमारे पास आ गया VP/VS बराबर 1/2 पर सवाल में क्या पूछा है ध्यान रखना है हमारे से सवाल VS तो VS/VP पूछा है मतलब इसका उल्टा पूछा है हमसे VS/VP हमसे पूछा गया है तो ये हो जाएगा 2:1 सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे है ना तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लो सर तो ये जो क्वेश्चन है अपना
ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर पर बेस्ड है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि कोई प्लैनेट है उसका मास जो है अर्थ के मास के टर्म में दिया है और उसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर के टर्म में दिया है। तो पूछा गया है कि उस प्लैनेट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें डेटा मास और डायमीटर का दिया है तो जो ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है उसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे अर्थ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, हम क्या लिखते हैं फार्मूला, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ये सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं, रेडियस को भी हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर अपान टू ऐसे लिख देंगे। तो हमारा फार्मूला क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये तो अर्थ की बात है। अब जिस प्लेनेट पर पूछा जा रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लीजिए वो जी डैक्स है, सेम फार्मूला इस पर भी लगेगा, तो क्या कर देंगे, जी यही फार्मूला लगाएंगे, फोर बी रहेगा। मास कितना है, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, एम ई अपॉन टेन, अर्थ के मास का 1/10 है, और डायमीटर कितना है, वो भी हाफ है, तो डायमीटर क्या लिखेंगे, डी की जगह डी अपॉन टू, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर जी एम ई अपॉन डी ई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4/10। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू क्या है, ये वाला टर्म एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पर है, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, इसकी जगह हम जी रख लेंगे, और ये क्या होगा, 4/10 0.4 हो जाएगा। और जी की वैल्यू क्या होता है बेटा, जी की वैल्यू क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए, 10 का तो कहीं नाम नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 9.8 होगा। इसमें 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा सर, 3.92, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, नाम आ गया है, क्या नाम आ गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट पता है कि अगर कोई पार्टिकल है मोशन में है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होता है इसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और क्या फार्मूला होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लेकिन क्वेश्चन में वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट टू एम ई, ई यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को जनरली हम लोग के से दिखाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ई से दिखाया है तो हम भी ई से दिखा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ये आपका हो गया, लेकिन ग्राफ उसने क्या पूछा है, 1/λ² और ई में, तो क्या करते हैं, अब इसको इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मेट में लाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यही हो जाएगा। अब ग्राफ वाई एक्सिस पर 1/λ² है ना, तो इसको 1/λ² उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 2mh ये सब कांस्टेंट है क्योंकि पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, ये y हो गया, एक तरीके से ये कांस्टेंट है m हो गया, और e क्या हो गया, x हो गया, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन से। उसके अंदर अपने को क्या बोला गया है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस एबीसीडी, लेकिन इसमें आगे बोला गया है वर्क डन बाय द गैस अलोंग पाथ बीसी। तो हमें सिर्फ बीसी पाथ के लिए ही बात करनी है, तो अगर आप इसमें बीसी पाथ को देखोगे तो वो जो लाइन आ रही है हमारे पास वो वॉल्यूम वाले के एक्सिस के जो है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमारे पास इसके लिए वॉल्यूम क्या रहेगा, तो वो आंसर है कॉन्स्टेंट आएगा, और जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसके अंदर हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, जीरो। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का है। इसके अंदर हमें स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो चीजें दी गई है। स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोला गया है दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
एंड नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एटम के लिए, तो उसका सम जो है वो हमारे पास जीरो जो है वो आता है। दूसरा हमें ये बोला गया है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब इसके अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर अपने पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो यहाँ पे लिखा गया है वो अपने को फिजिक्स के हिसाब से देखें तो हमें बोला गया है ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट का जब कंसीडर की जाती है तो पूरी पीरियोडिक टेबल हमारे पास आ गई, और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल जो हमारे पास होते हैं वो जो है वो स्टेबल एटम्स नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेगा, और उसके बेसिस पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन से रिलेटेड है, लेकिन साथ में हमारे पास एचसीएम की भी इसके अंदर एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर हमें बोला गया है इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला ए मैग्नेटिक नीडल इज परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकंड्स एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है नीडल का वो हमें दे रखा है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नीडल इज जो हमारे पास है x इंटू में जो है वो हमारे पास 10^-5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, देन हमसे पूछा गया है कि ये जो x दे रखा है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, x इंटू में जो है वो 10^-5 हो, तो अपने जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें 10^-5 लास्ट में आपको अलग से रखना है और बाकी रिमेनिंग x की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था किसी भी मैग्नेट के लिए तो वो हमारे पास था अंडर रूट T=2π अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई हमारे पास था एम बी के बराबर, और यहाँ से अपने स्क्वायर कर लेते हैं तो T² = हो जाएगा 4π² और ऊपर आ जाएगा आई डिवाइडेड बाई एम बी, और यहाँ से मुझे जो वैल्यू पूछी गई है वो एम की वैल्यू पूछी गई है तो एम को ऊपर ले गए, T² को नीचे लेके आ गए, तो दिस इज 4π² और नीचे हमारे पास आ जाएगा बी और आगे आ जाएगा T². अब इसमें टी के लिए एक चीज और दे रखी आपको, इसने बोला है 20 ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं उसने 5 सेकंड के अंदर, तो हमारे पास ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकाले तो 20 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो है सर 5 सेकंड, तो हमारे पास एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड आ जाएगा 5/20 मतलब 1/4 सेकंड, तो वो टाइम की वैल्यू जो है वो हमारे यहाँ पे ये रखनी है, और जो क्वेश्चन में ऑप्शन है वो पाई स्क्वायर के ही मल्टीपल में दिया है तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है, तो हमारे पास वैल्यू रखेंगे तो इसके अंदर ऊपर आई भी था हमारे पास, तो आई आगे एज इट इज पाई स्क्वायर, जो आई की वैल्यू है वो है 9.8 और 10^-6 जो है वो दे रखा है, मैं इसको 10^-1 इंटू 10^-5 लिख देता हूँ ताकि जो अपने पास इधर वाला पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू बन जाए एक्स की वैल्यू, तो नीचे डिवाइडेड बाई हमारे पास ये है 0.49, तो मैं इसको लिख देता हूँ 49 × 10^-3 और टी का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/16, और इसको सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर आएगा 1280 और इंटू में पाई स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर को हमने टच जो है वो नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एन एसएचएम, x वुड बी इक्वल टू 5 sin π t + 5/3 रिप्रेजेंट द मोशंस ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशंस, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम्स एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशंस। तो एक अपने पास में सीधी सी सिंपल सी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है अपने को पता है, x वुड बी इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव जो अपन देखते भी है, जो साइन के जो सामने रखा हुआ होता है वो क्या होता है अपने पास में एम्पलीट्यूड। यदि अपन इस वाली इक्वेशन को यहां से कंपैरिजन करें तो अपने को समझ में आएगा कि अपना जो एम्पलीट्यूड है विच इज इक्वल टू 5। सेकंड अपन ध्यान से देखें तो टाइम का कोफिशिएंट है यहां पे विच इज इक्वल टू ओमेगा, एंड यहां पे अपन टाइम के कोफिशिएंट के साथ में देखें तो विच इज इक्वल टू पाई, दैट मींस ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू पाई, एंड वी नो अबाउट द ओमेगा, ओमेगा वुड बी इक्वल टू 2π/T वुड बी इक्वल टू पाई, देन पाई विल गेट कैंसिल आउट and we will get that t would be equal to 2 seconds. That's why we will get the amplitude would be equal to 5 meter and time period would be 2 seconds. So second options would be our correct answer. Sorry, usme meter mein pucha hai, then third options would be our correct answer.
इसमें मोस्टली जैसे सर ने बाई चांस गलती से टिक कर दिया, सेंटीमीटर और मीटर, क्योंकि हमारे पास यूनिट जो है वो मीटर के अंदर भी है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया अपने पास में वो फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कौन से वाले पार्ट से, सरफेस टेंशन वाले पार्ट से। इन्होंने अपने से क्या बोला कि एक थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज गिवन टू अस व्हिच इज इक्वल टू 0.07 न्यूटन मीटर इनवर्स, देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस वुड बी इक्वल टू। लेट सपोज अपन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये अपने पास में वो सरफेस है जो कि वाटर के ऊपर रखी हुई है। अपने को पता है कि जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहूंगा, ऊपर की तरफ खींचना चाहूंगा, तो नीचे की तरफ सरफेस टेंशन के रीजन से क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। एंड सरफेस टेंशन के रीजन से कितना फोर्स लगेगा वो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स कहां पे लगेगा, इसकी पेरीफेरी पे लगेगा। कैसे लगेगा, तो सरफेस टेंशन टी इंटू इसकी पेरीफेरी की लेंथ कितनी बन रही है अपने पास में, 2πr, व्हिच इज इक्वल टू, लेट्स से कि एक अपने पास में जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब अपने को सरफेस टेंशन भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो अपन इजीली एफ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T would be equal to 0.07 to pi को अपन ऐसा रख सकते हैं 22/7, and R को अपने को मीटर में रखना होगा क्योंकि अपने को क्वेश्चन में किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, which is equal to 4.5/100। तो इसको अपन सोल्व करें यहां से, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये डबल जीरो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, इसका भी एक हटा दे तो अपने यहाँ पे जीरो देखने को मिलेगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में कितना बनेगा 2 × 22 × 45 × 10^2, यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं 10^-5। एंड इस पूरे इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे तो अपने को देखने को मिलेगा कितना, 19.8 मिली न्यूटन मिली। ओके सर, हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास नेक्स्ट जो आता है, इसमें क्या लिखा है, इन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एम, इट इज बेंट एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल ऑफ 60° विद ईच अदर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट इज। कह रहा है कि अपने पास एक मैग्नेट है, डायपोल मोमेंट एम है, तो एम को पोल दू, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, अगर इसको हमने क्या कर दिया, बेंट कर दिया, बेंट करा, ईच पार्ट कितना एल बाई टू लेंथ का है, और कह रहा है कि 60° एंगल है, तो डेफिनेट है ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एल बाई टू हो जाएगी, तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ L by 2 M into L, dipole moment M कर दूंगा upon 2, तो new dipole moment will be M by 2। चलें next question। Next question अपने पास जो आता है, इसमें क्या कह रहा है, करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, किस कंडीशन में ब्रिज बैलेंसिंग अचीव हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ डायोड की बात करें तो डायोड कोइन को रेजिस्टेंस मेंटेन करेगा। अब बैलेंसिंग के लिए अपने को पता है कि साइड्स का रेशियो जो है ना, वो अपने पास पी बाई क्यू जो है शुड बी इक्वल टू आर बाई एस, तभी अपने पास कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो बैलेंस ब्रिज होगा। पी बाई क्यू को मैं आर बाई एस के बराबर करता हूँ, तो इधर 10 और 10 है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब अपने पास आर यहाँ पे कितना है, 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी देखने लायक आई है कि इसके अंदर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, पैरेलल ग्रुपिंग में है, और पैरेलल ग्रुपिंग में जब होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 से कम होगा, तो आपको इसने एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास पहले नंबर के अंदर डायोड बैटरी का पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। दूसरी स्टेट के अंदर थर्ड के अंदर भी अपन लोग देखें तो थर्ड के अंदर भी डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा, और रिवर्स बायस्ड होगा तो इसके अंदर भी अपने पास क्या होगा, इन्होंने बाय मिस्टेक रिवर्स बायस होगा क्योंकि ये नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से हैं, तो ये भी अपने पास काम में नहीं आएगा, बट ये फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करता देन इट कैन बी द बैलेंस्ड ब्रिज।
मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इन सर्कुलर ऑर्बिट एट इन एल्टीट्यूड ऑफ 2 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास ये अगर सरफेस अर्थ की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस आर है, एल्टीट्यूड 2 आर दे रखा है, तो उस स्टेट में टोटल लेंथ की बात करें तो अपने पास 3 आर आ जाएगा। 3 आर आ जाएगा तो सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है नहीं, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जी एम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। साथ में आप लोग क्या करोगे, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे तो पूछिए आपको किसके बराबर होगी, ऑर्बिटल एनर्जी। ऑर्बिटल एनर्जी कितनी होती है, जी एम इंटू एम बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस। बट रेडियस कितनी हो गई अपने पास, 3 आर हो गई, तो 2 × 3 हो गया। अब इस स्टेट में ए की वैल्यू की बात करते हैं तो इसको माइनस को उधर जाओ प्लस का हो जाएगा, जी एम एम बाई आर, और इधर पर ये एनर्जी नेगेटिव होगी तो ये कितनी हो गई, माइनस ऑफ जी एम एम बाई 6 आर। तो यहां पे देखिए इसको मैं 6 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 − 1 कितना हो जाएगा, 5 gm/6 r, जो कि आपके पास कौन से ऑप्शन में दे रखी है, सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अपने पास टीवी ग्राफ दे रखा है। अगर टीवी ग्राफ की बात अगर करते हैं तो देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहां से टी की बात करूं मेरे पास क्या आ जाएगा, पी बाई एन आर इंटू वी, टेम्परेचर जो कि वाई एक्सिस पे है प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वॉल्यूम के। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कौन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है तो स्लोप है, और स्लोप सबसे ज्यादा किसमें, 1 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद किसमें, 3 में। तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2, देन विल बी ग्रेटर देन P3। मूव टू द नेक्स्ट। पूछा है कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं होगी, तो अपने को सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो वो है एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से होती है। अब यहाँ पे जनरेशन की बात करें तो इसने क्या लिखा, ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। और अपने को पूछा भी कौन सा है, नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, जबकि ये किससे होता है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल से होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस फिजिक्स में और पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। इसके अंदर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो आ रहा है ए मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस 0.5 इनटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर इज हीटेड फ्रॉम 0 °C टू 100 °C विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग, द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट विल बी, हमें ये बताना है कि कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा। तो आप सभी लोगों को एक बात पता होगी कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, अपने पास y a alpha delta t। तो यहां पर आपको y की वैल्यू गिवन है बेटा, तो y की वैल्यू ऊपर लिख देंगे बेटा, कितनी है अपने पास 0.5 × 10⁻¹ⁱ हो गया, और एरिया की वैल्यू भी आपको गिवन है बेटा, एरिया कितना अपने पास 10⁻³⁻³ तो 10⁻³⁻² एरिया हो गया। अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, तो अल्फा की वैल्यू अगर बात की जाए तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो दे रखी है 10⁻⁵, और डेल्टा टी की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है बेटा, डेल्टा टी इज 100, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, हमारे पास 100 हो गई है। ठीक है, यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 10⁻³, 10⁻⁵ मिलकर 10⁻⁸ हुआ, और 10⁻⁸ इससे जाएगा तो 10⁻ कितनी बचेगी बेटा, अगर बात करें तो 10⁻ कितनी बचने वाली है, यहाँ पे जरा देखिए गौर करिए, तो 10⁻ अपने पास जो बनने वाली है वो कितनी बनी बेटा, 10⁻³ बच गई। उसके बाद में ये वाला भी 10⁻² है, तो यहाँ से 10⁻² मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, और यहाँ पर है 0.5, मतलब अगर बात की जाए 10⁵, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनेगा 50 × 10³ न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आपका आया बहुत ही सिंपल था और इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता था फॉर्मूला वाई ए अल्फा डेल्टा टी लगाकर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा,
तो जो अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो भी बहुत ही सिंपल पूछा गया बेटा। और क्या क्वेश्चन आपके पास आया बेटा, देखते हैं क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 kW एंड 2 kW, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू द फिक्स्ड पावर सोर्स, द रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट ऑफ दीज टू केसेस इज। मतलब एक बार आपने दोनों को ही किसमें कनेक्ट किया बेटा, सीरीज में कनेक्ट किया है, दूसरी बार आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता होगा जब अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं बेटा, जब हम किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर क्या होता है बेटा, सभी लोग जानते होंगे, 1/P इज इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 होता है। जिसको अपन सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे पी इक्विवेलेंट आप यूज कर सकते हैं और वो आ जाएगा बेटा P1 + P2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हुआ बेटा। तो सीरीज के बाद में दोबारा इसको किसमें कनेक्ट किया, अगले ने पैरेलल में किया है। तो सभी को पता होगा पैरेलल में जो P इक्विवेलेंट निकाली जाती है वो P1 + P2 हो जाती है। ये पैरेलल कनेक्शन के लिए होगी बेटा, इसके लिए ये पैरेलल के लिए होगी। अब हमें पूछा क्या फाइनली हमें पूछा रेशियो ऑफ पावर आउटपुट। तो रेशियो पावर आउटपुट की बात करें तो इन दोनों का रेशियो जब लेंगे बेटा तो P1 / P2 में आपने डिवाइड किया किसका, P1 + P2, और डिवाइड बाई P1 + P2 करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और अगर अपन P1 / P2 की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 1 × 2 / 1 + 2 किया होल स्क्वायर, आंसर विल बी 2/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा। तो 2:9 अपने पास ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन जो भी आपका था बहुत आसान था और इसमें आपको 2:9 इजीली निकालने में मिल चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास दिखाई दे रहा है बेटा उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी अपने पास। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है आगे देखिए, ए फोर्स डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू α T² + β × T एक्ट ऑन एन पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी। The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant is, देखो अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि यहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो फोर्स आपको दिया गया है, जो फोर्स आपको दिया गया है वो α T² + β × T दे रखा है। अब आपको ये पता होगा कि दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी तो वो एड हो सकती है, मतलब सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाली चीजें आपस में एड की जा सकती है। तो मैंने बोला कि ये कंप्लीट टर्म क्या बनना चाहिए, फोर्स, और ये भी कंप्लीट टर्म क्या बनना चाहिए, फोर्स, क्योंकि इनका रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। तो अगर एक फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे तभी तो फोर्स का यूनिट निकल कर आने वाला है। दैट मींस अगर मैं अल्फा की बात करूं तो ये ओवरऑल टर्म α T² जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला बनना चाहिए MLT - 2। तो अगर ये MLT - 2 बनेगा तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो डेफिनेटली अल्फा बनेगा MLT - 4। वाई सर, क्योंकि MLT - 4 को अगर तुम T² से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका MLT - 2 बनेगा। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला ये होने वाला बेटा। और अगर बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला की बात की जाए तो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला जरा गौर करो, ये टोटल ओवरऑल क्या बनने वाला बेटा, ये भी आपका फोर्स बनने वाला है। तो मैं कह सकता हूं इसकी भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होने वाली है। तो देखो बीटा की डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगी, MLT - 3। क्यों, क्योंकि अगर मैं MLT - 3 को मल्टीप्लाई करता हूं T से तो वह MLT - 2 बनेगा, और MLT - 2 इज यूनिट ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। दैट मींस अगर मैं देखूं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस बन सकता है तो इट विल बी α T / β। क्योंकि जब मैं अल्फा को बेटा टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम MLT - 3, और बीटा भी MLT - 3 है, तो दोनों को डिवाइड करने पर कोई डायमेंशन नहीं बचने वाली, डायमेंशन सारी कैंसिल हो जाएगी, दैट मींस डायमेंशन लेस बन जाएगा। ओके तो आंसर विल बी α T / β, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए क्या पूछा गया, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था और एकदम थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन था। आप नोटबुक में भी देख सकते हैं, नोटबुक में ऐसी चीज एकदम डायरेक्टली लिखाई जाती है क्वेश्चन पेपर में। तो देखो क्या है बेटा कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी थ्रू ए रेजिस्टर। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। तो हमें गैप के अंदर क्या बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो कैपेसिटर के बीच में बात की जाती है,
और कैपेसिटर की जो बाहर की करंट होती है वो आपकी कंडक्टिंग करंट होती है बेटा। आपको ये पता होगा कि कंडक्टिंग करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है, तो इसका मतलब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम दे रखा हो, डायरेक्शन भी सेम दे रखी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई फ्लो, ये तो गलत हो गया, ग्रेटर देन बोलते ही गलत हो गया बेटा। देयर इज नो करंट, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि फोर्थ में डायरेक्शन कैसी दे रही है बेटा, अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा, थर्ड क्वेश्चन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आया है वो भी चेक कर लेते हैं, वो आपका टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, और ये भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आया है, इसको करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया बेटा अपने पास, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, दैट मींस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है बेटा, वो कितनी है 140 सेंटीमीटर, और आई पीस की भी आपको फोकल लेंथ गिवन है, दैट मींस एफ ई भी आपको गिवन है, वो कितना दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बेटा, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मुला बनने वाला है वो क्या बनेगा, सभी को बताया मैग्नीफाइंग पावर का, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड विल बी एफ ओ बाय एफ ई, सभी को पता चल गया। तो यहां से अपने पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एकदम ईजी सा लगाया और आंसर आ गया, ये सिर्फ डिवाइड करने का क्वेश्चन आया, जिस बच्चे को फॉर्मूला रिमेंबर है उसके लिए, तो आंसर विल बी 28। तो 28 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आ गया बेटा सभी को समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर देन, अच्छा कैपेसिटर का क्वेश्चन है और कहानी दे रखी है, कहानी कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अपने पास एक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है अपने पास, कहानी दे रखी है कि एक पीपीसी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके कहानी दे रखी है हमें अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है पीपीसी है, इसमें दोनों प्लेट्स को पास लाने के लिए बोला गया है। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, डी को रिड्यूस कर रहा है तो निश्चित बात है कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो क्यू इज इक्वल टू अपने पास सी वी फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे पता चला, बोल रखा है कि बैटरी से ऑलरेडी वो कनेक्ट है, जिस बैटरी से कनेक्ट है उसी से कनेक्ट है, तो पोटेंशियल तो चेंज होने वाला है नहीं, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज भी इंक्रीज होगा। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीज, सही है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो जिसमें पोटेंशियल आए, और पोटेंशियल कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये चीज कॉन्स्टेंट है, और कैपेसिटेंस के बारे में अभी डिस्कशन किया कि डिस्टेंस के घटने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस के बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन ये क्या कह रहा है, डिक्रीज, तो ये गलत बात है। थर्ड पढ़ लेते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज, तो ये तो पहले ही कर लिया, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस घटाओगे कैपेसिटेंस बढ़ता है। रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, तो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो क्या होता है ये देख लो, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो रहता है सी के बराबर, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के बारे में देख ही लिया इंक्रीज हो रहा है, ये कह रहा है रिमेन सेम, सेम नहीं रहेगा, इंक्रीज कर रहा है, तो ये गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट, चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट, ये चीज क्या है, कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, और चार्ज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस के घटने से, डिस्टेंस के घटने से कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और कैपेसिटेंस के बढ़ने से चार्ज बढ़ गया था,
तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, चार्ज बढ़ रहा है, तो QV का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, ये कॉन्स्टेंट है, चार्ज बढ़ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ QV इंक्रीज होगा। ACE, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन अपना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके वापस से एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है कैलकुलेशन, कोई टफ नहीं है। सी दे रखा है और कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है हमें यहाँ, कैपेसिटेंस गिवन है 10 माइक्रोफेरड और पोटेंशियल गिवन है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पीक करंट पूछा गया है। ठीक है, पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता कर लो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा XC इज इक्वल टू 1/ωC, ओके। और करंट अगर फाइंड आउट करना है तो सीधा ओम्स लॉ लगा देते, करंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कौन सा VRMS, तो करंट भी कौन सा आएगा IRMS, अपॉन में रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, XC की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो जाएगा VRMS अपॉन में XC की वैल्यू 1/ωC, ωC ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से IRMS की वैल्यू हमें मिल जाएगी। IRMS की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, VRMS गिवन है 210, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा का, ओमेगा होता है 2π, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, F दे रखा है 50, मल्टीप्लाई करेंगे कैपेसिटेंस से, कैपेसिटेंस कितना गिवन है 10 माइक्रोफेरड, इसको सीधा सीधा फेरड में कन्वर्ट कर लो, 10^-5 फेरड आ जाता है, ओके। ये IRMS आ गया, अगर लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीक वैल्यू, रिलेशन पता है कि रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है I0/√2, I0 अगर चाहिए तो √2 टाइम्स कर देना IRMS का, IRMS कैलकुलेट कर चुके हैं, I0 अगर आपको चाहिए तो √2 टाइम्स कर देना, √2 टाइम्स कर देना IRMS का। अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास जो कैलकुलेशन करने के बाद इन सबको सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर जो आता है वो आता है 0.93 एम्पियर, लगभग 0.93 एम्पियर के आसपास आएगा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो पोटेंशियल और वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ दिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले पोर्शन में तो वेलोसिटी जो है टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है, फिर कॉन्स्टेंट और फिर लीनियरली डिक्रीज भी कर रही है, तो और फिर एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिए, फिर हमें इनमें से सही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पता करना है, तो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा dv/dt इसका वेलोसिटी का, वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है, मान लो इस तरीके से हो सकती है, वेलोसिटी kt टाइप की ले लो, लीनियरली इंक्रीज कर रही है समय के साथ, तो kt टाइप की ले लो और k को बाहर ले लो, अंदर बचेगा dt/dt, इसकी वैल्यू 1 आनी है, तो एक्सेलरेशन अपने पास कॉन्स्टेंट आएगा वो भी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आएगा वो भी पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन का तो मतलब ही नहीं है, मतलब सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन 0 आना है, इसमें एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, इसमें एक्सेलरेशन कैसा है 0, इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा उल्टा कर दो इसका नेगेटिव क्यों होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और कॉन्स्टेंट होगा नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इस बार वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो ऐसा ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो फर्स्ट पार्ट के लिए और आगे यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 रहा है, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए शीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, ए फोर्स इज नीडेड। सबसे पहले इन्होंने एक मैग्नेट ली है, मैग्नेटिक पोल ले लिया, हालांकि दो पोल होते हैं, मैंने नॉर्थ ले लिया अभी एक बार, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, एक सब्सटेंस रखा है और बोला गया है कि ये वाला जो नॉर्थ पोल है इसके अंदर
पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि होल्ड द शीट देयर इज इट इज मैग्नेटिक, अगर ये मैग्नेटिक है तो इसको होल्ड करने के लिए हमें यहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा, कब, अगर ये मैग्नेटिक है, चेक करना है हमें ये। तो अगर ये मैग्नेटिक है तो ये वाला नॉर्थ पोल इसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कराएगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगी तो इस पर फोर्स लगेगा, अब वो हो सकता है अट्रैक्शन का हो, रिपल्शन का हो, कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको होल्ड करने के लिए, यहीं रोकने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो ये सही है, होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है होल्ड द शीट देयर इज नो नॉन मैग्नेटिक, अगर सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक है, अब ये मैग्नेटिक है ही नहीं तो इसका कोई प्रभाव इसके ऊपर पड़ने वाला है नहीं, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो हमें भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत है नहीं इसको होल्ड करने के लिए। तो होल्ड द शीट इफ देयर इज नो नॉन मैग्नेटिक, नहीं होल्ड नहीं करना, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा होल्ड करने के लिए, तो ये गलत है, ये कह रहा है कि होल्ड कर उसको होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में हमें कोई फोर्स लगाना है नहीं, तो ये गलत है। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, अब मैं इसको दूर लेके जाना चाहता हूँ, इस मैग्नेट से दूर लेके जाना चाहता हूँ, और सब्सटेंस मेरा कंडक्टिंग है, ये वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है तो दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं तो इस मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो इससे घटती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, तो कहीं ना कहीं एडी करंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। जैसे जैसे इसको आप आगे लेके जाओगे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स घटता जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर वोल्टेज और करंट बनेंगे, और वो जो एडी करंट्स बनेंगे, वो जो एडी करंट्स बनेंगे वो इसकी मोशन का अपोज करेंगे, अपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस पे अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और उस फोर्स से ओवरकम होने के लिए अगर आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते रहना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा बाहर की दिशा में, एक्सटर्नल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में। तो ये कह रहा है कि मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, तो ये बिल्कुल सही बात है, बाहर अगर हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हैं तो फोर्स लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, तो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही नहीं, नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर एडी करंट्स तो बनेंगे नहीं, एडी करंट्स नहीं बनेंगे तो पहला वाला जो फोर्स था वो तो इस बार नहीं लगने वाला। एक और वर्ड बोला गया है नॉन पोलर है, हालांकि यह नॉन पोलर बोल दिया गया है लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि सब्सटेंस कौन सा है, डाया है, पैरा है, फेरो है, तो यहाँ पे नॉन पोलर है तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे नॉन पोलर है तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा मतलब ओवरऑल कोई फोर्स है ही नहीं, पहले ही बता दिया नॉन कंडक्टिंग है तो एडी करंट थे नहीं, एडी करंट की वजह से जो फोर्स लगने वाला था वो है नहीं, और दूसरा बोल दिया नॉन पोलर है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फिर इसको हमें चलाने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना होगा। तो इसने कहा है कि मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल, वो बोल रहा है कि फोर्स लगाना पड़ेगा लेकिन ये गलत है क्योंकि हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत यहाँ है नहीं, तो ये गलत है, अपना ऑप्शन ए और सी सही हो रहे हैं, तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मास ऑफ द बॉब इज इन ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, ठीक है सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, मास को चार गुना कर ट्राइस तीन गुना कर दिया गया है, और जो पेंडुलम की लेंथ थी, ये सिंपल पेंडुलम है इसके मास को तीन गुना बढ़ा दिया गया, इसकी लेंथ चेंज कर दी गई है, लेंथ इसकी अभी हाफ कर दी गई है, आधी कर दी गई है, नया टाइम पीरियड पूछा है इस सिचुएशन में, नया टाइम पीरियड, तो देखिए टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, तो अभी जो नया टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2π अंडर रूट एल डैश बाई जी, नई लेंथ एल डैश की वैल्यू पुट करते हैं तो टी डैश हमें मिलेगा 2π अंडर रूट एल डैश की वैल्यू है एल बाय 2g, ठीक है 2 को बाहर ले लेते हैं तो टी डैश अपने पास आने जा रहा है 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 बाहर ले रहा हूं मैं तो अंडर रूट से बाहर लूंगा तो रूट 2 बाहर आएगा, और ये चीज क्या है जिसको हमने सर्कल कर रखा है, ये तो पुराने केस में टाइम पीरियड है जब तक लंबाई उसकी एल थी उस केस में टाइम पीरियड है, तो नया जो टाइम पीरियड आ रहा है वो पुराने टाइम पीरियड से 1/√2 टाइम आ रहा है, और इसी बात को उसने क्वेश्चन में कहा है कि उसको आप x/2 लो, इनिशियल टाइम पीरियड का x/2 लो, मतलब ये जो टाइम पीरियड आ रहा है इसको इनिशियल टाइम पीरियड का x/2 लो, तो ठीक है टी से टी उठ जाता है और x की वैल्यू निकालनी है, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 बाय अंडर रूट 2, लेट सिंप्लीफाई इट,
आंसर इज रूट टू। तो रूट टू थर्ड वाले में है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे अपने ये पांचों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। थैंक यू।